जबलपुर में 3 साल की बच्ची से रेप का प्रयास किया गया। परिवार का आरोप है कि वे शिकायत करने घमापुर थाने पहुंचे तो पुलिस ने यह कहते हुए रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि इससे बदनामी होगी। बच्ची की मां का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनसे कहा कि ऐसा केस करा दो कि आरोपी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। बच्ची की मां को थाने से बाहर करने की जानकारी जब मोहल्ले के लोगों को मिली तो वहां भीड़ जुट गई। स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने नारेबाजी की, थाना प्रभारी को भी घेर लिया। हालात बिगड़ते देख 4 अन्य थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। 2 CSP भी पहुंचे, तब जाकर भीड़ पर काबू पाया जा सका। गुरुवार शाम बच्ची घर के अंदर अकेली सो रही थी। पड़ोस में रहने वाला कालू घर के अंदर घुस गया, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। इतने में बच्ची की बड़ी मां की उस पर नजर पड़ गई। उन्होंने शोर मचाया तो वह भाग निकला। बच्ची की मां भी आवाज सुनकर घर पहुंची। मां का कहना है कि बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे। बच्ची को लेकर उसकी मां 5 घंटे तक थाने के बाहर बैठी रही। भीड़ बढ़ने पर रांझी ओमती हनुमान ताल बेलबाग थाने के स्टाफ मौके पर पहुंच गया। CSP रांझी विवेक गौतम और पंकज मिश्रा भी थाने पहुंच गए। पुलिस और भीड़ के बीच नोकझोंक भी हुई। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक लखन घनघोरिया का कहना है कि पुलिस बच्चे की मां को बयान बदलने के लिए मजबूर कर रही थी। यह कहीं से भी ठीक नहीं है, यह पुलिस की संवेदनहीनता है। और हम तो भर्ती हो जाएंगे बच्चे के पास अस्पताल में। अभी आप क्या बता रहे थे, बदनामी होगी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम तो बोल नहीं। अरे यार, सही बता रहे हैं, सही तो बात है ना? है? तो बात कर दीजिए क्या? अभी ये बोल रहे हैं। ये आपको किसने बोला है कि बदनामी होगी, ये किसने बोला? वही जो टीआई है, तो टीआई है। हां, और जाएंगे ना भैया गाड़ी तो खेली नहीं है। अरे यार, हां काम तो वादा कर, पानी से हटा भैया सब, पांच सब नहीं किया बंद कर। वीडियो बना के दिखाइए आप। इतना ही हो रहा, एक कुर्सी से उठ के नहीं आया, इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, और ये इसकी मार नहीं जाएगी बच्ची, अब नहीं जाएगी। महिला बट्टी बैठे थे सर, बोले अभी रुको, थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, टाइम लगे, अभी थोड़ा बैठो, लिखना भी तो पड़ेगा ना रिपोर्ट। आप लोग कितने बजे आ रहे थे? हम लोग 7 बजे आए हैं सर, 7:15 के करीब। रिपोर्ट खिलाने भी मना नहीं करे कि रिपोर्ट नहीं करो।
जी सर अभी तो लिखे, अभी थोड़ी देर हुआ मैडम ने टाइम से। कितने घंटे होगा यहाँ पे आपका? जी सर 7 बजे से। 7 बजे से आप अब लगा लीजिए, कितने टाइम हो गया मैडम? बोलती रही कि पुलिस वाले बोले। वो सर बोलते रहे एक जन कि वो बच्ची है बदनामी के कारण, वो बच्ची को नहीं करो वो बदनामी होगी, बिचती होगी, तो वो अपना लिखवा दो कुछ की ऐसे हाथ हाथ पकड़े रहे। हम बोले नहीं, ऐसी बदनामी हमको नहीं चाहिए जैसा बदनामी अदलाई। बदनामी तो हो गई उनको, जो हो ना तो आप अच्छी से अच्छी कड़ी सजा दीजिए। मतलब आप लोगों को रिपोर्ट लिखने से मना किया जा रहा था बदनामी का डर दिखाकर? जी सर। लड़की को वो कल्लू उठा के ले गया, मल्लू का लड़का तो अंदर गेट बंद कर लिया रहा सर। जब हमको ऐसा पता चला बोल हम ढूंढते रहे कहाँ गई लड़की, जब गए हैं तो उसके अंदर रही। जब दरवाजा पीठ डाले उसकी चाची भी रही कल्लू की, तो फिर हम लोग दरवाजा खोले, लड़की भी ने कपड़ा के ऐसे पड़ी रही और वो लड़की से पूछे कहा होगा, उसको पकड़े हम, वो छुटक के भाग दिया। और वो लड़की बोली कि मैंने भी ऐसे तेल डाला है और अपने भी तेल डाला, मेरे पैसे से गलत कर रहा था। और लड़की छोटी है अभी उसको, और मैडम को भी बोली जो मैडम है, तो मैडम से बोले तो बोलती तुम लोग जाके चेक करो काम, डॉक्टर हैं। हम बोले हम लोग कहाँ समझेंगे भाई उसके लिए, मैडम जी तुम देखो, तो नहीं देखी है। पुलिस वाले बोले कि ये लड़की का मामला है, वो बदनामी होगी, ले जाओ। अब तो बाद में शिकायत करें, जब बबलू भैया आए हैं, कुछ बंधिया बबलू है ना वो आए हैं, जब वो आए हैं जब फिर खुआए खुआए हैं। बबलू है राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त, प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।